बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन सत्यव्रत चतुर्वेदी का फिर बयान आया है। नया बयान यह है कि संसद के मानसून सत्र में लोकपाल बिल पेश करने की कोशिश होगी, लेकिन किसी के दबाव में काम नहीं कर सकते। समिति के गठन में देरी हुई थी, इसलिए तय समय से ज्यादा वक्त भी लग सकता है, कोई समय सीमा नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, राज्यसभा सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि मुमकिन है कि संसद के सत्र में, मानसून सत्र में लोकपाल बिल पेश करने की वो कोशिश कर सके, लेकिन दबाव में काम नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि दबाव में इस वजह से भी काम नहीं हो सकता क्योंकि कम से कम राय मशवरा के लिए अभी ही सिलेक्ट कमेटी के सामने 150 एप्लीकेशन पेंडिंग है और हर दिन वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोशिश पूरी की जाएगी सिलेक्ट कमेटी की तरफ से कि इसी सत्र के, यानी अब जो मानसून सत्र आ रहा है उसके अंत तक इस बिल को पेश किया जाए, मगर कोई समय सीमा नहीं दे सकते। एक और बात स्पष्ट की है उन्होंने कि टीम अन्ना के दबाव में, हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका मानना है कि इससे बिल का स्पिरिट जो है वो डिफीट होता है। तो अपनी तरफ से सिद्धार्थ संकेत दिए हैं कि संकेत दिए हैं कि मानसून सत्र में इस बिल को पास कराने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन दबाव कोई नहीं चलेगा। आइए सुनते हैं एबीपी न्यूज से बात में क्या कहा सत्यव्रत चतुर्वेदी ने। नहीं है, लोकपाल बिल पहले ही सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जा चुका है। एबीपी न्यूज के साथ खास तौर पर बात करने के लिए सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब हैं, उनसे हम पूछते हैं इस बारे में। सर, टीम अन्ना आरोप लगा रही है कि गंभीर नहीं है आप लोग, इस सत्र में क्या बिल पेश हो सकेगा? उनके आरोप क्या हैं क्या नहीं, इनकी मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। संसद के राज्यसभा ने ये प्रस्ताव पारित किया कि जो मौजूदा बिल है और जो संशोधन रखे गए हैं उन सभी को सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए और सिलेक्ट कमेटी ये देखे कि जो अंतर्विरोधी बहुत सारे विचार हैं इस बिल से जुड़े हुए, उनमें कैसे संगति बैठाई जा सकती है, कैसे समन्वय बैठाया जा सकता है। ये समिति का गठन अभी एक माह पूर्व हुआ और एक माह के इस दौर में समिति अपनी 4 बैठकें 5 कर चुकी। हम अपना काम कर रहे हैं, जो संसदीय प्रक्रिया है, नियम है उसके अनुसार, और जो संविधान है उसके अनुसार। लार्जर कंसेंसस बनाने की कोशिश करनी होगी आपको सर, संसद का सत्र शुरू होने वाला है इसीलिए 8 अगस्त तक ही टीम अन्ना भी अपने आंदोलन की बात कह रही है। दबाव इस बात का है, वो चाहते हैं कि इस सत्र में पेश किया जाए। आप अध्यक्ष हैं सेलेक्ट कमेटी के, इस बात की गुंजाइश है सर कि इस बार आम सहमति बन पाएगी, इस बार प्लेस कर सकेंगे सत्र के आखिर तक? कोशिश हमारी यही होगी कि हम निर्धारित समय अवधि के अंदर ये काम कर लें। हालांकि एक महीने विलंब हो जाने से, समिति के गठन ही एक महीने से विलंब से हुआ, तो उसके वजह से थोड़ा सा समय का अभाव दिख रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो समिति के लिए निर्धारित समय है उसमें हम ये काम पूरा कर सकें। सर, इस तरह की बात सामने आई थी कि देरी भी हो सकती है ये, क्योंकि सिलेक्ट कमेटी कुछ समय बाद गठित की गई, ज़्यादा समय नहीं मिल सका, इसलिए गुंजाइश है, इस बात की आशंका है कि देरी भी हो सकती है? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग और कितने संस्थान समिति के सामने अपने विचार व्यक्त करने आना चाहते हैं। हमने सार्वजनिक रूप से इस बात का नोटिस दिया था इस देश के नागरिकों को कि वो आएँ और अपने विचार, अगर वो चाहते हैं इस बिल से संबंधित, तो वो अपने सुझाव विचार रख सकते हैं। अब कितने लोग आएंगे, अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो स्वाभाविक है समय ज़्यादा लगेगा। सर, ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग हैं आपके पास कि लोग आना चाहते हैं आपसे? हमारे पास अभी करीब 150 तो ऐसे आवेदन आ चुके हैं। सर, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, और फिर सबको आप मौका देंगे? अब ये समिति तय करेगी कि कितने लोगों को किस क्रम से बुलाना है, क्या करना है। सर, आपकी बात को अगर मैं क्लियरली समझूं, आप ये कहना चाहते हैं कि पूरी कोशिश की जाएगी इस सत्र के अंत तक रखने की, लेकिन कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं किया जा सकता? हमारी पूरी ये कोशिश होगी कि हम जल्दी से जल्दी जो काम है उसे पूरा करें।